जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक को लेकर यहां पर आज से फॉर्म भरा जा रहा है कक्षा 1 से 5 के लिए। छात्र वहां पर फिर परेशान हो रहे हैं, समस्या आ रही है तो समाधान भी हो रहा है, लेकिन यहां पे छात्र परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहां पे आपको मैं बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भरने बैठे तो अपने पास अपना एक वेबकैम लेके जरूर बैठ जाइएगा, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई भी समस्या ना हो। अब यहां पर एक समस्या तो फॉर्म भरने के लिंक को लेकर है कि सर लिंक कहां मिल रहा है अप्लाई करने वाला, तो मैं आपको बताऊंगा कि लिंक कैसे मिलेगा। दूसरी चीज कि पहले आपको नए सिरे से जो अपडेट दिया गया है कि नए सिरे से जो छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं वो कैसे भरेंगे। अच्छा, दूसरा चीज यहां पर ये भी है सर कि जो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हमें 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 का तो लिंक दे ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका भी समस्या का समाधान करेंगे। तीसरा चीज अपडेट है सर यहां पर कि विषय को लेकर जो नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि यहां पर हिंदी, उर्दू और बांग्ला से सेलेक्ट करना है, तो सर ये तो अहर्ता है, क्वालिफाइंग अहर्ता है, तो इसको क्यों सेलेक्ट करना है? सामान्य विषय ही हमारा यहां पर सब्जेक्ट होता है, तो हम सामान्य विषय सेलेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल वहां पे आपको सामान्य विषय ही सेलेक्ट करना है। मैं आपको सारा चीज डिटेल में क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समस्या के साथ समाधान भी बताऊंगा यहाँ पे। पहले समस्या सुन लीजिए यहाँ पर। समस्या ये है कि जो छात्र यहाँ पर बोला गया था कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023, देखिए 26/2023 लिख दिया गया, यहाँ पे 27/2023 होना था, ठीक है, 27/2023 शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय के अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से आवेदन करके प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, है ना। तो आपको नए सिरे से आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने का लिंक कहां मिलेगा? तो जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो आपको क्या मिलता है, अप्लाई ऑन सेक्शन वाला क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं सर, तो आप चले आते हैं कहां पे, तो आपके इस पेज पे। अब आपको इस पेज पे नया कुछ दिख रहा है, नया कुछ भी लिंक दिख रहा है यहां पे? नहीं दिख रहा ना, लेकिन इस पेज पे देखिए यहां पे आपको एक लिंक दिख रहा है। ये कैसे आ रहा है सर? ये जो है यहां पे लिखा गया है, मैं जूम करके दिखला दूं, क्लिक हियर फॉर टीआरई 1 to 5 रजिस्ट्रेशन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर क्लास 1 to 5। तो अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये सर कैसे आ रहा है लिंक, हमें भी बताया जाए ट्रिक। देखिए, जब आप इस तरीके से जाते हैं यहां पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपसे यहां पे जो है फॉर्म मांगा जा रहा है, ठीक है, यहां पे आपसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा आपका, तो इसको भी दिखला देता हूं मैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां पे आपको सारा डिटेल डालते हुए जाएंगे, यहां पे सब कुछ डाल देंगे, प्रशैक्षणिक योग्यता भी डाल देंगे, लेकिन जैसे ही पात्रता परीक्षा पे क्लिक करते हैं तो सर यहां पे तो हमारा लिंक नहीं दे रहा है, सीटेट पेपर 1 का लिंक नहीं दे रहा है, तो ये कैसे करेंगे सर, यहां पे हम नया आवेदन कैसे करेंगे नए सिरे से अगर हमको करना है? तो इसका ही समाधान है वो यहां पे मैं जो कि आपको बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। जैसे हम यहां पे आते हैं यहां पे, तो जो आपका शिक्षक भर्ती वाला प्रोसेस है उसको लेकर देखिए, तो एक बुक हमें हमारे द्वारा आपको रिकमेंड किया जा रहा है, इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। ये बुक जो है 1 to 5 के लिए है और एनसीईआरटी एससीईआरटी के पैटर्न पे तैयार किया गया है, और आपका सिलेबस के आधार पे जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसके आधार पे जो ये बुक आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिल रहा है। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, इसलिए आप लोग यहां से जाके इसको परचेज भी कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ देखिए ओएमआर भी दिया गया है इसमें, तो आप उस पर जाकर प्रैक्टिस सेट भी अपना कर सकते हैं ओएमआर पे भी, ठीक है, टेस्ट देते हैं जब, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गाइड बुक भी जारी किया गया है, किरण पब्लिकेशन का ही ये बुक है, और ये सामान्य अध्ययन के लिए जो कि आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी के सिलेबस पे आधारित है ये बुक, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चैप्टर वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, 150 प्रश्नों का 2 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है आपको यहाँ पे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। तो गाइड बुक है आपके लिए, तो गाइड बुक ले लीजिए, और समय बहुत कम है, 7 दिसंबर से लेकर जो है आपका परीक्षा 10 दिसंबर तक होगा, तो इसी बीच में आपको ये पढ़ लेना है, और हो सकता है कि अगले अगले शिफ्ट में अगर परीक्षा होगा तो डेट भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए क्योंकि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अब समस्या यहां पर तीसरी क्या आ रही है सर, उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं मैं जो आपको, यहां पे बोला गया था कि सर ये जो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें 30 अंक पूछे जाएंगे पेपर 1 में, यानी कि भाग 1 में, जो कि अंग्रेजी और हिंदी का, ये एससी एसटी कल्याण विभाग का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जहां पे इसका व्यवहारिक ज्ञान बोला गया था होना चाहिए, और मैं आपको ये नोटिफिकेशन पुराना भी है जो 26/2023 का है उसका भी देखिएगा, तो इसी तरीके से यहां से दिया गया था। फिर उसके बाद बोला गया कि भाग 2 सामान्य अध्ययन का जो है आपका जीके जीएस वाला सेक्शन होना चाहिए, जीके जीएस का सेक्शन से यहां से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यहां 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यहां तो हो गया सर 70 नंबर, लेकिन जो 80 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामान्य विषय के पत्र से पूछेगा, आप जाके देख लीजिएगा, मैं आपको दिखलाई देता हूं। ये नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है जो कि पीआरटी के लिए जारी किया गया है, और इसमें लिख दिया गया है जो आपका भाषा अर्था सामान्य अध्ययन, यहां तो सब कुछ ठीक है, यहां भी सब कुछ ठीक है कि भाग 3 में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जब भाग 3 आ रहा है यहां पे तो बोल रहा है कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है, लेकिन जब फॉर्म भरने आप जाते हैं तो ये हिंदी भाषा कहां गायब हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे कुछ त्रुटि है, यहां पे सिर्फ इनको लिखना था सामान्य विषय, जो कि यहां पे भाषा लिख दिए, तो ये तो गलती हुई है यहां पर नोटिफिकेशन में, अगर सही है तो इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, है ना, आयोग भी इसके ऊपर संज्ञान जरूर लेगा, देखेगा इस चीज को, ध्यान में रखेगा इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आपके फॉर्म भरने को लेकर, तो मैंने कहा आपको यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, और सर यहां पे हमें तो कोई लिंक दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको यहां पे जो है एक लिंक दिखलाया है इस पेज पे आकर, यहां पे आपको जो है लिंक दिखेगा, कैसे दिखेगा सर, इस लिंक को दिखेगा, यहां पे आइएगा तो एक लिंक दिखेगा जहां पे आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, जी हां, ये दिखला रहा हूं मैं आपको, ये देखिए ये जो लिंक आपको दिख रहा है यहां पे, ये सर कैसे आ रहा है लिंक, ये तो हमें सॉरी यहाँ पे ये तो लिंक हमें नहीं दिख रहा है ना, ये लिंक तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया, अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये चला आता हूँ इस पेज पे, अब यहाँ पे जो मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज खुल रहा है,
उस पेज में हम आते हैं तो हमारा जो है पात्रता परीक्षा पर जैसे क्लिक करते हैं तो सीटेट पेपर वन का यहाँ पर लिंक अपडेट कर दिया गया है। तो समझ गए आपको क्या करना है, तो समझे नहीं है अभी तक क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है आपको। जैसे ही इस पेज पे आना है, जैसे आप इस पेज पे जैसे कि मान लीजिए यहां से आप क्लिक करते हैं, सपोज देखिए मैं करके दिखा देता हूं यहाँ पे आपको क्या करना है कैसे करना है। और ये एक अपडेट है जो कि हमें हमारे एक मित्र ने हमें बताया है कि ऐसे कीजिए सर फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए मैं भी आपको साझा कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस सेक्शन पे ओके करते हैं और ऐसे ओके करेंगे यहाँ पे ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसके जो है यूआरएल में हमको जाना है, यूआरएल इसको कहते हैं ना, यहाँ पे एड्रेस दिया लिखा रहता है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें मिटाना है। बैक स्पेस से मिटाइएगा, पूरा मेन तक जहां लिखा हुआ है वहां तक मिटा दीजिएगा, इंटर मारिएगा, इंटर मारिएगा। जैसे ही तो आपका ये लिंक जो है यहाँ पे दिखेगा। अब इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है नए सिरे से। जो छात्र नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहां से आके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे देखिएगा, नाम अपना डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पे आपको, यानी फादर नेम डालना है सॉरी, और यहाँ पे अगर महिला है तो हस्बैंड का नाम डालिएगा, मदर नेम डालिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आपका जो है यहाँ पे डाल के आधार कार्ड नंबर अपना अपलोड करना आधार कार्ड। फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं इस पे क्लिक कर लीजिएगा, तो यस पे ही क्लिक कीजिएगा। ओरिजिन ऑफ बिहार है या नहीं ये बताना है, अगर है तो यस कीजिएगा। और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ से लिया जाएगा, उसको अपलोड करना है, इसमें सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, इशू डेट डालिएगा कब का है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आप आते हैं तो यस कीजिएगा, तो जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करवाएगा, सर्टिफिकेट नंबर डलवाएगा और यहाँ पे इशू डेट डलवाएगा। ये तो हो गया। अब ये जो है कहाँ से इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, ये जो तो बिहार से हुआ है सर, तो बिहार पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर इसको अपलोड कर दीजिएगा। मैं इसको अपलोड करके आपको फॉर्म भर के बताऊंगा। फिर आपको जो है यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, अदर्स में है या मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर में है ये बताना है। तो सपोज मान लीजिएगा अनमैरिड है और फीमेल कैटेगरी के छात्र हैं, हमने भर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब पीएच कैटेगरी से स्टूडेंट हैं आप तो यहाँ पे बताइएगा अपना, है ना, उसका सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा। अगर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे पूछेगा कि किस तरह का आपका जो है हैंडीकैप है, तो ये आपको बताना होगा, विजुअली हैंड है, हियरिंग वाले हैं या मेंटली वाले डिजेबल हैं ये बताना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा तो ये सर्टिफिकेट भी मांगेगा और किस संस्था से आपने बनवाया है ये भी मांगेगा। तो ये डिटेल तो आपको पता होगा ही कैसे कैसे भरना है। नहीं है तो भी आप देख लीजिए वीडियो पूरा, है ना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर ग्रैंड सन ऑफ डॉक्टर है तो यस पे क्लिक करके इसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, जो इशू हुआ है आपको बिहार के ही ब्लॉक लेवल से बनवाना है, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ डाल दीजिएगा। नहीं है अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अगर आप महिला हैं, अगर आप एससी एसटी हैं, डिजेबल हैं, तो आप चाहते हैं यहाँ पर कि हम कंसेशन मिले हमको फीस में, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो आपको 750 रुपये फीस यहाँ पे फिर लगेगा, ठीक है। एक सर्विसमैन में यहाँ पे आते हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे यस कीजिएगा, तो आपको सारा सर्टिफिकेट यानी कि पीपीओ नंबर वगैरह मांगेगा, ज्वाइनिंग लेटर मांगेगा उस समय का, है ना, तो पीपीओ नंबर ही जनरली डालिएगा एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आप पंचायती राज के शिक्षक हैं, कार्यरत है अभी, है ना, नियोजित शिक्षक हैं, चाहते हैं कि आपको सीधे सीधे सरकारी नौकरी मिल जाए, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, तो यस पे क्लिक करके आवेदन करिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दक्षता परीक्षा मांगा जाएगा कि आप पास किए हैं, क्योंकि 2012 से पहले के लोग दक्षता परीक्षा दिए हुए हैं तो वो लोग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन बताइएगा किस पोस्ट पे हैं, स्कूल का नाम और यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है स्कूल, और आपका ज्वाइनिंग लेटर का नंबर और इशू डेट कब हुआ था ज्वाइनिंग लेटर आपका नियोजित वाला, तो उसके बारे में बताना, उसको अपलोड भी कर देना है। तो ये तो जानकारी होगी, लेकिन नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है ये वाला सेक्शन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ये सेक्शन आता है। यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए ये कंप्यूटर के लिए सेक्शन दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है 1 to 5 में, कि आपका सर 12th पास होना चाहिए पहला, दूसरा क्या डीएलएड होना चाहिए। तो सर यहाँ पे जो है डीएलएड के बारे में दिया गया है ना, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक, तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें करना है क्लिक यहाँ पे, तो पात्रता परीक्षा पे क्लिक करना है। तो पात्रता परीक्षा हमने क्लिक कर लिया, जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। देखिए तो ये हमें क्लिक कर लिया यहाँ पे, ओके करेंगे तो यहाँ बोलेगा कि सर आप जो है सीटेट पेपर वन या बीटेट पेपर वन या दक्षता परीक्षा पास किए हैं, जो नियोजित शिक्षक है वो अपना डिटेल डालें। तो यहाँ पे सीटेट पेपर वन का सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, क्योंकि मार्कशीट पे आपका सीरियल नंबर दिया गया, तो मार्कशीट वाला ही अपलोड कर दीजिएगा यहाँ डॉक्यूमेंट जिसपे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि वही जांच होगा उस समय, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए, सीरियल नंबर जो कि मार्कशीट पे दिया गया और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, नहीं, यहाँ पे भी मार्कशीट ही अपलोड कीजिएगा अगर यहाँ पे जो मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल रहे हैं तो, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा अपना, मान लीजिए एक है हमारा, ये बोल रहा था कुछ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के, तो एक एक और ये कब तक ले रहा है, तो 1983 तक ले रहा है। देखिए यहाँ पर 83 तक का छूट ले रहा है, यानी कि एज में रजिस्ट्रेशन 83 तक का है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज मान लीजिए 84 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे पूछे जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जब, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूछा, मतलब आप जो है उर्दू बंगला या सामान्य के लिए किसके टीचर आप बनना चाहते हैं आप ये, ठीक है, क्योंकि बंगला और उर्दू का जो है वैकेंसी दिया गया है, जो पुराना वैकेंसी था उसमें जोड़ा गया, तो सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे पूछ लिया, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, तो आपको सामान्य यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आप बंगला में, जैसे कि बहुत लोग ग्रेजुएशन करता है वो चाहता है कि बंगला का टीचर भी बने 1 to 5 में, तो वैसे तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होता है, लेकिन इस बार यहाँ पे जो है सब्जेक्ट डिसाइड करके दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है,
सामान्य उर्दू या बांग्ला, तो हम सामान्य के लिए बनेंगे यहाँ पे। उर्दू के हैं, उर्दू में स्नातक हैं, बांग्ला में स्नातक हैं, है ना, तो आप यहाँ पे उर्दू बांग्ला को सेलेक्ट कीजिएगा। ये आपका अहर्ता वाला नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपका अहर्ता वाला नहीं है कि हमको यहाँ पे अहर्ता सेलेक्ट करना है कि क्वालिफाइंग वाला है, नहीं, ये है आपका सब्जेक्ट। तो हमने सामान्य चुन लिया, या मान लीजिए हमने बंगला चुन लिया, तो बंगला में जितने पोस्ट दिए गए हैं, देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये देखिएगा, ये है सामान्य उर्दू और बंगला, इसमें अनारक्षित वर्ग में यूआर कैटेगरी में इतने इतने सीट है ना, तो ये 1519 टोटल सीट है। बंगला के लिए 5 सीट है जनरल कैटेगरी में, इतना है टोटल सीट। देखिएगा यहाँ पे तो 9431 है, जहाँ पे उर्दू में 4413 है, और बांग्ला में सॉरी सामान्य में है ये, है ना, उर्दू में आपका 4932 और बांग्ला में 86 है। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, है ना, कुल के लिए। अब ये महिलाओं के लिए आरक्षण सीट है, ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है ये। तो यहाँ पे जो है ना, जितना जितना सीट जिस कैटेगरी में उसको उसी के अनुसार ही नौकरी मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे छात्र पूछेंगे कि सर ये जो है ये तीनों में से हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, सामान्य उर्दू या बांग्ला। तो सामान्य यानी कि जिसमें जिसने अपने छात्र ने अपना जो है 12th किया है नॉर्मली, है ना, तो वो तो आवेदन कर ही देगा। अब यहाँ पे चूंकि ग्रेजुएशन या फिर उर्दू में किया है या बांग्ला में किया है, तो भी इधर आवेदन कर सकते हैं, योग्यता तो है ना ग्रेजुएशन वाले को, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप 12th हैं तो आपको सामान्य से ही आवेदन करना होगा, ठीक है, 12th के बेसिस पे अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो, क्योंकि वहां पे तो उर्दू और बांग्ला तो होता नहीं है ना, तो ये ध्यान रखा। हाँ, 12th में उर्दू प्लस टू लेवल पे आपने किया है तो आप ध्यान रखिएगा, प्लस डीएलएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, आपको यहाँ पे बेनिफिट इसका मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया सपोज सामान्य, तो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, एड्रेस वगैरह डाल के यहाँ पे ईमेल वगैरह डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के जो है इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के फाइनल रजिस्टर करेंगे। चलिए एक छात्र का मैं रजिस्ट्रेशन करके भी देख लाता हूँ। और जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है क्या कि जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, मतलब उन्होंने किसी पोस्ट के लिए आवेदन कर लिया, जैसे कि 6 to 8 के लिए कर लिया या 11 12 के लिए कर लिया, तो सर वो क्या करेंगे, उनके लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से देख लीजिए, पहले इनका कर लेते हैं, है ना। अब जो है हम यहाँ पे सारा डिटेल इनका सबमिट कर दिए हैं, और ये सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके हमको सबमिट फॉर्म करना है, फिर आगे का प्रोसेस हम अब आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप अपना सबमिट करेंगे, आपके पास एक ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां पे आपको बोलेगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब चलते हैं लॉग इन करके यहाँ पे हम लोग इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे, कि एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या क्या चीजें मांग रहा है। तो हमें आना होगा यहाँ पर इस सेक्शन पे, और फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मांगेगा मेरा, या जो है यहाँ पे डिटेल मांगेगा, ठीक है, कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालिए सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ, जो कि मुझे SMS आया हुआ है। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर इस डैशबोर्ड पे, आपको यहाँ पे अगर गलती हो गई है रजिस्ट्रेशन में तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हियर फॉर प्राइमरी पेमेंट। तो आप यहाँ पे आपको जाके पेमेंट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फीमेल कैटेगरी का फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए इनका फीस कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो शायद 750 रुपये फीस यहाँ पे भी आपको लगेगा। यहाँ पे देखिएगा ये 200 रुपये इनका फीस चार्ज लग रहा है, तो यहाँ पे जो है फीमेल कैटेगरी से है इसलिए, लेकिन आप आएंगे अगर अदर कैटेगरी से, अदर स्टेट से आएंगे तो 750 रुपये आपको फीस यहाँ पे पेमेंट करना होगा। इस सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है जाकर प्रोसीड करना है, नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग से, डेबिट से करना है तो डेबिट से, क्रेडिट से करना है तो क्रेडिट से। नेट बैंकिंग से कीजिएगा, यहाँ पर प्रोसीड कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा आपसे, है ना, कि किस बैंक से, ICICI बैंक से है या फिर इसी बैंक से है, तो अपना यूजर आईडी डाल के यहाँ पे अपना और लॉग इन कर लीजिएगा। या फिर अगर यहाँ पे पूछेगा, सपोज मान लीजिए, देखिए अगर रिफ्रेश करते हैं, बैक आते हैं तो करूंगा यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड टू नाउ पे क्लिक कर लूंगा, यहाँ पे मांगेगा अदर बैंक का डिटेल, कौन सी बैंक से करना चाहते हैं। देखिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे आपको यहाँ पे, है ना, जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, 200 के बदले 207 रुपये लगेगा। तो जो लोग भी आवेदन कर रहे हैं अदर बैंक से कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने SBI का सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया तो मुझसे डिटेल मांगेगा, है ना, कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन करके पेमेंट कर दिए। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, देखिए इनका यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, एक रेफरेंस नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा इनको, है ना, जो कि ये पेमेंट के लिए सक्सेसफुली यहाँ पे इनका दिखला रहा है। तो इसी तरह से आप भी इनका पेमेंट करके इसका प्रिंट जरूर रख लीजिएगा, कहीं पेमेंट फंसता होता है तो आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, बैंक से जाके आप लोग यह BPSC में जाके दिखा के इसका पैसा रिटर्न भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे डैशबोर्ड पे आप वापस आते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन दिखता है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म 1 to 5। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोलेगा कि आप अपना कैमरा वगैरह सब कुछ सेट कर लीजिए, है ना, ये अगर एरर बताएगा तो समझिए कि आपका कैमरा सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेबकैम से आपको फोटो डालना है, ठीक है। तो ओके करते हैं हम, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 15 मिनट का आपको यहाँ भी समय दिया गया है, 15 मिनट के आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है, ओके कर लीजिएगा, ये जैसे जैसे आएगा और यहाँ पे आपको सारा अपना डिटेल दिखेगा। नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ जाइएगा, नेक्स्ट पे जैसे आगे करके बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका पात्रता परीक्षा है, क्लिक किया हुआ भाई यहाँ पे, ये भी आपने क्लिक सही किया है। यहाँ पे देखिएगा कि आपने सब्जेक्ट अप्लाई जो किया है वो सामान्य के लिए किया है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, तो यहाँ पे सब सारा वो क्वालिफिकेशन आपको दिखलाएगा। तो ये वाला ही यहाँ पे पहला है ना, आपने BTC या डीएलएड किया है तो ये वाला ही आपका सेक्शन है, और 12th के साथ किया है, जिसका 45% के साथ है BTC और आपका जो है 12th, तो वो भी आवेदन कर सकता है नियम 2002 के अनुसार। और 50% के साथ जो लोग हैं यहाँ पे और 4 वर्ष से डिप्लोमा किए हैं, है ना, या BLED किए हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं।
50% के साथ अगर आपने 12th किया है तो उसके साथ आप समकक्ष हैं, तो विशेष शिक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, और स्नातक स्तर पर आप आते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो स्नातक किए तो मतलब ग्रेजुएशन किए तो, लेकिन ये छात्र ने यहाँ पे 12th किया है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है तो भाई डीएलएड किया है, तो इसको हम चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इनका जो है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए पहला वाला। अब यहाँ पे इनका इंटरमीडिएट का जो है सब्जेक्ट पूछेगा। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या चूज करना है सर, सब्जेक्ट क्या चूज करना है सर। तो आपका अगर साइंस है तो साइंस भरिएगा, मैथ है मतलब साइंस है, इंटरमीडिएट इन साइंस है तो लिखिएगा इंटरमीडिएट इन साइंस, या फिर अगर 12th पास किए हैं तो 12th है ना, 12th 10+2 10+2 है ना, सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा किस सब्जेक्ट में आप पास किए हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स लिख दीजिएगा, साइंस वाले तो साइंस लिखिएगा, कॉमर्स है तो आईकॉम लिख दीजिएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है स्ट्रीम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उसका अपलोड भी करना है, पासिंग ईयर कब का है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, फिर उसके बाद आपका बोर्ड का नाम क्या है, फिर आपके पास जो है कितना मार्क्स है, कितना आप फुल मार्क्स का मतलब एग्जाम दिए थे, मतलब आपका मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स कितना दिए हैं, परसेंटेज क्या है आपका ये बताना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका डीएलएड वाला सर्टिफिकेट के बारे में, कि आपका जो है सब्जेक्ट क्या है, तो डीएलएड में तो जैसे कोई सब्जेक्ट होता नहीं तो डीएलएड लिख सकते हैं या बीटीसी लिख सकते हैं जो भी आपने किया है। पासिंग ईयर यहाँ पे दे दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिएगा, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज का नाम दे दीजिएगा किस बोर्ड से है या यूनिवर्सिटीज है, मार्क कितना आया था आपको वो बता दीजिएगा, फुल मार्क्स कितने का था वो बता दीजिएगा, परसेंटेज क्या था आपका ये बता दीजिएगा, फिर इसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपका जो है चिन्ह पूछेगा आपके चेहरे पे या हाथ गोड़ पे कटे छटे का निशान जो कि दिखलाया जा सके, यहाँ पे आपको पहचान के लिए पूछेगा। फिर आपको जो है एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगेगा, है ना। अगर यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं कहूंगा कि सर्टिफिकेट ही डालिएगा, उस पर जो सीरियल नंबर दिया रहता है वही डालिएगा, और इशू डेट कब आपका मार्कशीट जो है सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ वो डालिएगा। प्रोविजनल किसी का मत डालिएगा, मैं आपको फिर से कह दूं प्रोविजनल किसी का नहीं डालना है, ठीक है, जो नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं तो मार्कशीट, और जिसके पास वेब कॉपी है तो वो वेब कॉपी का मार्कशीट ही डालेगा, ठीक है, वो यहाँ पे वैलिड होगा। अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। चलिए अब इनका सारा डिटेल हमने यहाँ पे डाल दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपको कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है, तो आपको अपना वेबकैम जो है ऑन कर लेना है और क्लिक टू अपलोड इमेज पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा आ दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना फोटो क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिएगा, क्लिक टू अपलोड इस इमेज, तो अपलोड हो जाएगा, अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है हिंदी अंग्रेजी का, वो अपलोड कर दीजिएगा। ये तो तरीका हो गया सर कि आप लोग जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं नए सिरे से, लेकिन जो लोग यहाँ पर अब इस तरीके से अपना फॉर्म भर लीजिएगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहले किसी भी वर्क के लिए या किसी भी पद के लिए आवेदन कर चुके हैं वो क्या करेंगे, तो उनको लॉग इन करना होगा यहाँ डैशबोर्ड पे आके, अपने पुराने ईमेल जो यूजर नेम है उनका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे जो है उनको लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे ही लॉग इन करेंगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड का। अब देखिए ये नया तरीका है, ये जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन कर चुका है उन लोग का कैसे करना है आवेदन, तो उन लोग करेगा यहाँ पे 1 to 5 पे क्लिक आउट, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे भी आपका वही पेज ओपन होकर आ जाएगा जो कि यहाँ पे जैसे जैसे आपने आवेदन किया था अभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, मतलब जो नए सिरे से भरे थे, बिल्कुल आपको भी आकर ऐसे ही यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर सबमिट करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे नए सिरे से जाके जो आवेदन कर लेना है। तो ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी पहले फॉर्म भर चुके हैं किसी भी पद के लिए, ठीक है, और मैंने बताया कि जो पहला वाला जो वीडियो मतलब जो प्रोसेस बताया वो उनके लिए बताया जो कि नए सिरे से करना है उनको तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ का प्रोसेस इसके बाद वही है बिल्कुल जो अभी वहां पे भी हुआ है, तो यहाँ से भी आप वैसे कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है पूछ लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, सारी जानकारी आपको जो दी गई है फॉर्म भरने को लेकर और बुक डिटेल को लेकर। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा एक बात और, यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है आप लोग का यहाँ से आके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 1 to 5 का जो उर्दू बांग्ला और सामान्य, तो सामान्य पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे उर्दू बांग्ला में हैं कोई तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा कोई भी, ठीक है, जैसे कि आपका वहाँ पे अगर 12th में उर्दू से हैं सब टीचर बनना चाहते हैं तो बांग्ला में है तो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो क्लास 1 to 5 के लिए ये वो नहीं है जो कि आपका अहर्ता वाला है, ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन थोड़ा सा कुछ अजीब दिया गया है यहाँ पर, है ना, इस चीज में आपको आकर यहाँ पे भाषा हिंदी लिख दिया गया है, यहाँ पे इसको सामान्य लिखना था, ठीक है, यहाँ पे गलती किया गया है, या तो पूरा इस सेक्शन को ही सामान्य विषय लिखना था इनको यहाँ पे। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट है आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, चाहे वो बदलाव को लेकर होगा या फिर नए पद्धति को लेकर होगा, तो उसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। जय हिंद।